सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं अपनी गायन के पास गई थी, तो उन्होंने जो मेरी मेडिसिन है उसमें मुझे एवी के फोर्ट दी है और एक मेडिसिन और दी है जो कि मुझे सिस्ट के लिए दिया है। तो ये मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन होती है ये अनवांटेड पिल्स है, बट उन्होंने मुझे सिस्ट के लिए दी है कि मतलब इससे सिस्ट का साइज़ जो होता है वो कम होगा, क्योंकि ये जो 21 पिल्स हैं और ये गर्भ निरोधक गोली होती है, क्योंकि ये हमारे एग को बनने नहीं देती है। तो जो हमारे ट्यूब ब्लॉक्स होते हैं उसमें अगर एग बनता है तो वो सिस्ट बन जाती है ना, रैप्चर नहीं हो पाता है तो सिस्ट बन जाती है। तो इसलिए अभी ये वाली मेडिसिन मुझे 2 मंथ के लिए लेने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि अभी प्रेगनेंसी तो होना नहीं है, जब तक ट्यूब खोलेंगे नहीं तब तक नहीं होना है, इतना है पता। तो अभी ये मेडिसिन मुझे दी गई है और ये 21 पिल से पीरियड्स के 3 डेज के बाद से मुझे लेना है। तो अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है और आगे भी जो भी चलता है तो मैं आपको बताऊंगी। एंड और इसके साथ साथ मुझे डाइट के लिए भी बोला है कि मुझे बहुत ही मतलब हेल्दी फूड खाने हैं अभी, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन जो है मैं खा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे डाइट भी अच्छी लेना है। एंड मुझे ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोली है, क्योंकि जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ उससे ये मेडिसिन खाने से मेरी हार्ट बीट है जो थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि जो है अभी हम डॉक्टर के यहाँ गए थे तब मतलब सारी चीज़ें चेक होती है ना, जैसे कि बीपी चेक होती है ना, ऑक्सीजन रेट चेक होता है, पल्स रेट चेक होता है, सब ये सब चेक होता है। तो उसमें जो मेरा हार्ट बीट थी वो ज़्यादा बढ़ी हुई जा रही थी, तो उन्होंने मतलब बोला कि इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रही हो, बट टेंशन नहीं पता नहीं क्यों बढ़ जाती है मेरी हार्ट बीट थोड़ी सी ही चीज़ में, मतलब एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो उसके लिए उन्होंने बोला सही नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बोला है। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड और डाइट है जो कि फ्रूट्स वगैरह उन्होंने बोले हैं, और बाकी बाहर का तो उन्होंने बोला है थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, बट ऐसा है डेली डेली नहीं खाइए तो अच्छा रहेगा। और ट्यूब की बात है तो अभी ट्यूब चेक करने के लिए नहीं बोला है, क्योंकि जब तक सिस्ट रहेगी तब तक ट्यूब चेक नहीं हो पाएगी। जब सिस्ट सही होगी तब हम HSG टेस्ट करवाएंगे फिर से, क्योंकि जब सिस्ट रहती है तो उन्होंने मना किया है। और इसके पहले जब मेरा HSG टेस्ट हुआ था तब उस समय मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि सिस्ट है, क्योंकि पहले पहले जिसमें गायनेक को दिखा रही थी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं बोला था कि एक बार पहले अल्ट्रासाउंड करा लो उसके बाद HSG टेस्ट करवाना, बट उन्होंने डायरेक्ट मुझे HSG टेस्ट के लिए बोल दिया था। और उसके बाद HSG में तो ट्यूब ब्लॉक्स निकली, एंड जब मेरा दूसरे गायनेक के पास गई तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया था तब उसमें सिस्ट निकली थी। तो अब जिस गायनेक को मैं दिखा रही हूँ तो उन्होंने कहा है कि अभी HSG टेस्ट हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि सिस्ट है, और सिस्ट का साइज़ तो कम हो रहा है और कम हो जाएगा, मुझे पता है, भगवान देर से सुनते हैं पर ज़रूर सुनेंगे, इतना मुझे पता है। और फिर बाकी हैप्पी रहो, क्योंकि हमारे माइंड का असर हमारी पूरी बॉडी में पड़ता है ना, तो जब भी हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं तो वो हमारे शरीर पे असर करता है। तो सोच ज़्यादा सोचना भी शरीर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है, क्योंकि मैं भी बहुत सोचती थी और सही नहीं हो रहा था कुछ भी, सिस्ट है, सिस्ट भी बढ़ती जा रही थी और मेरा पेन भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी सिस्ट हो गई थी फिर पेन भी मेरा बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी हर चीज़ के बारे में, अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया, जो होएगा तो होएगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा सोच के हमें मिलेगा क्या, होना वही है जो हो रहा है ना, इसलिए सोचना ही चाहिए। और अच्छा, अपने डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मेरा वेट जो है अभी मुझे वेट बढ़ाने के लिए बोला है, वेट अभी मेरा बहुत कम है, 49 है जो कि नहीं होना चाहिए, एंड ब्लड भी मेरा कम था बट ब्लड मेरा बढ़ गया है। तो आप लोग
आपको अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो इसका एक सलूशन है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आप सोचोगे नहीं तो आप जल्दी सही हो जाओगे। अगर आप ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा टेंशन लोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फिर मेडिसिन भी काम नहीं करती है ना, क्योंकि मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा था स्टार्ट में, और मैं इस समय बहुत सारी मेडिसिन खा रही थी, बट उनका कोई असर नहीं हो रहा था मेरे ऊपर। तो फिर मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे समझाते थे कि मत सोच, मत सोच, बस दिमाग है वो टेंशन लेता ही है। फिर मैंने खुद से ही सोच लिया कि अब मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगी। तो अभी मैं ठीक है, जो भी मेडिसिन चल रही है उसको खा रही हूँ। अब चाहे मुझे चक्कर आए, चाहे मुझे मेरी हार्ट बीट पड़े, बस खा रही हूँ कि हाँ ठीक हो जाए। और भगवान पे भरोसा रखिए, ज़रूर ठीक होगा, है ना। मेरे को पूरा भरोसा है भगवान पे, ज़रूर वो एक ना एक दिन तो ठीक करेंगे, है ना। सो पे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक।